देखिए सीवी का ऐसा है कि ना, सीवी हर आप जहाँ जिस जगह अप्लाई करें ना, उस जगह की अपनी, उस जगह के यानी उस डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर अप्लाइंग, तो उसकी अपनी एक प्री रिक्वेस्ट है सीवी के स्टाइल की, या सीवी कैसे बनानी और सारा कुछ। अच्छा, सीवी की बात हो रही थी, तो सीवी ना डिपेंड करती है आप जिस जगह अप्लाई कर रहे हैं ना, उस जगह की सीवी होती है। सीवी को आपको चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है उसका डिज़ाइन या स्टाइल। कुछ सीवीज ऐसी हैं जिनमें आप स्टार्ट करते हो अपने आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। लेट्स से मोस्टली सीवीज जो होती है ना, वो पहले आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है कि आप क्या हैं, आपकी करंट स्टेटस क्या है, आपकी एजुकेशन, ये स्टार्ट यहाँ से होती है। फिर आपकी स्किल्स, अचीवमेंट्स, ये सारा कुछ आ जाता है। तो पीएचडी की सीवी ना पोस्ट डॉक की सीवी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस तरह से आप अगर किसी मास्टर्स बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए सीवी बना रहे हैं, उसकी सीवी डिफरेंट होगी। जॉब के लिए सीवी बना रहे हैं, जॉब की सीवी डिफरेंट होगी। प्रमोशन के लिए सीवी बना रहे हैं, प्रमोशन की सीवी डिफरेंट होगी। एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में जा रहे हैं जॉब के अंदर, उसकी सीवी लेट्स से डिफरेंट होगी। फिर जॉब्स का है, साइंस की जॉब है, टीचिंग की जॉब है, साइंस की डिग्री होते हुए आप नॉन साइंस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सीवी विल बी डिफरेंट। तो सीवी डिफरेंट होती है इस तरह से। एसओपी है, और डिटेल में फिर कभी बात कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी तकरीबन ले थे कि उसका थीम सेम है तकरीबन, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है उसकी डिटेल में, टेक्स्ट में और उसके स्कोप में। डिपेंड करता है आप कहाँ पे अप्लाई करें। जॉब के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप पोस्ट डॉक या पीएचडी के अप्लाई करें, उसका एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो थोड़े से डिस्टिंक्शन है इन दोनों में।